जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदफ मियाँ है। सदफ मियाँ, किन किन मुद्दों को लेके आप? मैं देखिए जनता के मुद्दों पे इसलिए आया हूँ मैदान में। देखिए, एक तो वार्ड की खाली साफ़ सफाई से मतलब नहीं होता है, वार्ड के अंदर जो और समस्याएं होती हैं बहुत हैं, और उन्हीं लोगों की परेशानी को लेकर जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। मुझे बचपन से शौक़ है जनप्रतिनिधि बनने का, और पब्लिक की समस्याएं मैंने पहले भी करी हैं। मेरे मामू रहे हैं 6 बार, 3 बार रहे हैं, 30 साल की सियासत उनकी भी है, और मैदान में पहली बार मैं भी उतरा हूँ, उनके साथ रहा हूँ प्रचार में। और जो समस्याएं जिस प्रचार से मैं चला हूँ, वो हर शिकायत यही है, इसमें मर ने हमारा ये काम नहीं करा। देखिए, ऐसा होता है जो गरीब लोग होते हैं, अगर उनको सरकार से मदद मिल रही है तो उस मदद के नाम पे कमीशन खाया जा रहा है। एक योजना, प्रधानमंत्री योजना चली थी, वो जो चल रही है, उसमें लोग जो हैं 2.5 लाख रुपये की मदद का, तो सरकार हमारे PM मोदी जी जो दे रहे हैं, उसमें कम से कम नहीं है तो पब्लिक के पास जो पहुंच रहा है 1.5 लाख पहुंच रहा है, और 1 लाख रुपए जो है बीच में कमीशन के बतौर सभासद या और लोग जो है खा रहे हैं। पब्लिक के बीच में समस्याएं जो बहुत बढ़ रही हैं, स्थितियाँ हैं, आयुष्मान कार्ड है, लोग अपने बीमारी से परेशान हैं। बहुत मेरे वार्ड के कुछ गरीब लोग हैं जो परेशान रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की समस्याएँ हैं और शिक्षा की समस्याएँ हैं। ऐसा नहीं है राशन फ्री हमारी सरकार दे रही है, मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार दे रही है, और हम चाहते हैं उसको और बढ़ावा दे। जो नीतियां हमारी सरकार जो दे रही है पब्लिक को, उसके बीच में जाए। नालियों के साथ साथ देखिए कूड़ा जो ढेर लग रहा है वो बहुत गलत है, किसी भी धर्म का हो उसमें ना तो मस्जिद देखी जाती है, ना मस्जिद मंदिर देखा जाता है। कूड़ा हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, अगर बाशर्त हमने परेशान होकर रख भी दिया है। कर्मचारी होते हैं, साफ सफाई स्वच्छ रहना चाहिए। वार्ड को मैं इस तरीके से वार्ड 43 को लेके जाना चाहता हूँ, 18 वार्ड में, वार्ड 43 में नगर पालिका के अंदर अगर 18 नंबर वार्ड की अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम आए तो आदर्श वार्ड में आना चाहिए। जो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे नेता लोग लेके चल रहे हैं, मैं उस नीति के हिसाब से वार्ड 18 को नीतियों के साथ पब्लिक के बीच में उतरना चाहता हूँ। पब्लिक के लिए मैसेज मेरा ये है, सोच समझ के अपने वोट का अधिकार करें। 4 तारीख को उगते हुए सूरज पे मोहर लगाइए। मैं मजबूत होऊंगा तो आप मजबूत होंगे, अगर आप ही मजबूत होंगे तो आपकी हर समस्याएं नगर पालिका